अगर आपको अपने शारीरिक स्तर से उठना है ना, तो अपने मन को भगवान के नाम में इतना रमा दो, भगवान के लीलाओं में इतना रमा दो, तो क्या होगा, आप शारीरिक लेवल से ऊपर उठ जाओगे। जितना जितना ज्यादा पक्का हरिनाम होगा ना, वो आपको शारीरिक लेवल से उठा देता है। उसका ज्वलंत उदाहरण है हिज होलीनेस जयपत का स्वामी महाराज। इतने कष्ट में होने के बावजूद भी, इतने कष्ट, हमें थोड़ा सा पेट दर्द हो गया, थोड़ा सा सिर दर्द, संडे क्लास गई, थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई, प्रभु जी माला नहीं होती, बस मैं क्या करूं, मैं प्रयास तो करती हूं, प्रयास तो करता हूं, नहीं होता। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जयपत का महाराज किस चीज के थ्रू जा रहे हैं। इतने ऑपरेशन, ठीक से बोला नहीं जाता महाराज से, लेकिन अभी भी इस समय भी हॉस्पिटल से हर दिन क्या करते हैं, लाइव क्लास देते हैं भक्तों के लिए। जब जयपत का महाराज से पूछा गया था एयरपोर्ट पे, यू आर इन दिस सिचुएशन, व्हाई डू यू रन अराउंड, व्हाई आर यू ट्राइंग सो मच, कैसे कर लेते हो आप, जयपत का महाराज ने उत्तर दिया कि आई एम ए वाउंडेड सोल्जर ऑफ श्रील प्रभुपाद, आई एम अ wounded soldier of Srila Prabhupada, but I am not out yet. मैं अभी थोड़ा सा, मुझे घाव हो गया है, मैं प्रभुपाद जी का wounded soldier हूं, लेकिन अभी भी I am not out. मैंने मैदान नहीं छोड़ा है। और कैसे कर पा रहे हैं महाराज, क्योंकि महाराज का जो हृदय है, जो मन है, संपूर्ण इंद्रियां जो है, वो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं में समर्पित है, रमण कर रही है, इसलिए वो अपने शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। अदरवाइज द पेन, द फिजिकल पेन दैट महाराज इज गोइंग थ्रू इज अनइमेजिनेबल, बट बिकॉज महाराज माइंड एंड हार्ट एंड ऑल हिज सेंसेस आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स कृष्णास लोटस फीट, He is above the physical platform. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki! Yeah!